अब हम स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव की बात करते हैं। देखो, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, उसमें हम सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात की। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि वहाँ पे पोजिशन के साथ हमें कभी इंटेंसिटी ज़्यादा कभी इंटेंसिटी कम देखने को मिलती है, और किसी एक पोजिशन पर रहेंगे तो हमें वहाँ पे या फिर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलेगी या सबसे कम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। फिर हमने क्या पढ़ा, बीट पढ़ा। बीट का मतलब क्या था, किसी एक पॉइंट पर रहकर अगर हमें फ्रिक्वेंसी बढ़ती कम ज़्यादा होती देख मिल रही है तो वो क्या होगी, बीट होगी। फिर हम तीसरा बात करते हैं स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव। देखो, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव क्या होता है, इसको जानने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि नेचर में एग्जिस्ट कहाँ करती है। देखो, मान लो कि रिजिड एंड है, मतलब मान लो वाल है, हमने वाल पे क्या किया, एक स्ट्रिंग, एक रोप को क्या करें, हम बांध दिया, उसके बाद हमने एक इन पकड़ क्या कर रहे हैं, हम इसको एसेस कर रहे हैं। तो देखो, जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो क्या यहाँ पे वेव जनरेट होगा, क्या वेव जनरेट होगा। अब जो ये वेव जनरेट हुआ है, क्या ये वेव जनरेट होगा, अब ये जो वेव जनरेट हुआ क्या ये वेव यहाँ पे रह जाएगा क्या, नहीं, जो एनर्जी गई वो वापस भी आएगी। आप फील भी क्योंगे कि अगर आप रोप को एसेस करते तो आपको पता चलता कि फिर लड़की भी वापस भी आती है, तो क्या हुआ, जब ये वापस आएगी ना तो क्या कुछ ये इस तरह वापस आएगी, समझ में आया। मतलब कि हमने एक रोप थी, उसको हमने एक रेजिडेंट से बांध दिया और उसको मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इस तरह किया, तो क्या हुआ, एक वेव बना और फिर ये वेव टकरा के फिर क्या हुआ, वापस आ गया, समझ में आ गया। अब हम पाते हैं ऐसा कि जो वेव है, अगर वो उस अगर ये रेजिडेंट से हमने बांध दिया तो मतलब कि हम क्या कि इस पॉइंट को फिक्स कर दिए। इस पॉइंट को फिक्स करने का मतलब क्या, ये ना पॉइंट ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, वो एक ही पॉइंट पर रहेगी। तो जब हम यहाँ से वाइब्रेट करते हैं इसको, तो जब ये वेव बनती है तो ये यहाँ पे गई। अब ये जब वेव होती है ना, अब देखो ये वेव जो यहाँ पहुंचे, यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, वापस आ सकती है, या फिर ये क्या करे ऐसे वापस आए, और या फिर क्या हो सकता है ये ऐसे वापस आए। तो अगर ये रेजिडेंट है ना, तो हम ऐसा पाते हैं कि जो वेव होती है ना, जब वो वापस जाती है तो क्या होती है, वो उल्टा वापस आती है। कैसी आती है वापस, उल्टा वापस आती है, समझ में आया। और अगर यही फ्री एंड होता, फ्री एंड का मतलब कि मान लो एक डंडा लिए, डंडा में हमने क्या किया, एक रिंग लटका दिया और वहां से हमने अटैच कर दिया स्ट्रिंग को, और फिर अगर हम मान लो एक यहां पे वेव जनरेट करते तो ये वेव वापस जाएगी। ये वेव मान लो ऐसे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक डंडा लिया, यहाँ पे हमने एक रोप को बांधने के लिए यहाँ पे एक रिंग लगा दिया, और हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या किया, इसको वाइब्रेट किया। तो देखो, ये वेव जब बनेगी तो ये वेव ऐसे गई, और फिर वापस जब आएगी ना तो ये कुछ ऐसे ही आएगी, समझ आए। मतलब वो जैसे गई वापस भी वैसे आएगी। आप इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे एनिमेशन आप जाके देख लीजिए, अगर आप घर पे हैं ना तो अभी तुरंत जाके आप फील कर सकते हैं। एक रस्सी पकड़िए, एक रिजिड एंड पे बांधिए और उसको क्या करिए, वाइब्रेट करिए। तो वाइब्रेट करेंगे तो आपको लगेगा कि जो वेव जाएगी, फिर जब वापस आती है रिजिड एंड से, तो ये वो क्या होता है, अगर ये ऐसे गई है तो ये नीचे से वापस आती है। और अगर आप फ्री एंड करते हैं, मतलब कि मान लो कि एक रॉड लिए और वहाँ पे हमने क्या किया, एक रिंग बांध दिया और फिर उससे हम अटैच कर दिए, तो अगर हम जब वाइब्रेट करते हैं तो जब वो वेव ऐसे जाती है तो सेम तरीके से वेव वापस आती है। मतलब कि जब यहाँ रेजिडेंट से जब वेव जाती है वापस आती है तो फेज एंगल क्या होता है, फाइव होता है। अगर फ्री एंड से आती है वेव जाती है और वापस आती है तो फेज एंगल क्या होता है, जीरो होता है। बस हम यही बताना चाह रहे हैं। देखो, अब हम बात करते हैं स्टेशन वेव क्या होती है। तो स्टेशन वेव का देखो, हम देखे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू एग्जैक्ट सेम टाइप ऑफ प्रोग्रेसिव वेव जिसका फ्रीक्वेंसी एन वेलोसिटी वी लैम्डा एंड नेचर सेम प्रोपगेट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज ओवर वन अनदर इन अ बाउंडेड मीडियम देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कोलैप्स एंड एक्सपैंडेड देयर पोजिशन सच टाइप ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज स्टेशनरी वेव पैटर्न। मतलब कि सेम तरीके की वेव हो और वो सुपर इम्पोज करे, तो सेम तरीके की वेव सुपर इम्पोज करके हवा में तो ऐसा मतलब हम कहीं आसमान से तो ले नहीं पाएंगे ऐसा वेव, हमें कहीं जनरेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक रोप लिया, उसको मैंने पकड़ा और उसको मैंने वाइब्रेट करना शुरू किया, तो वाइब्रेट करना शुरू किया तो ये वेव गई और फिर वापस ही टकरा के फिर क्या हुआ, वही वेव वापस आया। तो हमें मिल गया स्टेशन वेव का क्या था, सेम नेचर से जाए और उल्टा होके वापस वो आया और सुपर इम्पोज करे, तो क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ये कौन सा वेव हुआ, स्टेशनरी वेव हो गया। तो इसी वेव को एक नाम दीजिए जिसे हम बोले स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। अब इसको स्टेशनरी वेव क्यों बोला, अगर यहाँ पे बाउंड्री नहीं होती तो क्या ये वेव ऐसे प्रोपगेट जल्दी चली जाती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक बाउंड कर दिया कि भैया इतनी दूरी में क्या करना है, आपको वाइब्रेट करना है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव हो गया। तो स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव क्या होता है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेलोसिटी सेम लैम्डा से वेव जाए वापस, उसी सेम नेचर वाली वापस आए और वो क्या हो जाए, सुपर इंपोज जाए। तो देखो इस तरह यहां पे यही इसी तरह होता है कि मान लो कोई रिजिड एंड है, हम क्या किए यहां पे वाइब्रेट किए तो ये वेव ऐसे गया, और अगर रिजिड एंड तो हम ऐसा पाते हैं कि जो वेव होती है वो वापस टकरा के इस तरह चली आती है, समझ में आया। अगर फ्री एंड की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिंग से अटैच कर दिया
स्ट्रिंग को, मतलब कि एक वेव ऐसे गई और फिर वापस भी इसी तरह आई, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, फ्रेंड से रिफ्लेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, रेजिडेंट से रिफ्लेक्शन हो गया, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक वेव गया, सेम नेचर का वेव गया, सेम नेचर का वेव वापस आया और अपोजिट डायरेक्शन में आया और सुपर इम्पोज किया। यही तो ये बोल रहा है कि स्टेशन वेव यही होता है, इसी का डिफिनेशन क्या हो गया, स्टेशनरी वेव हो गया। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो किस तरह हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो मान लो कि दो रिजिडेंट, ठीक है, तो दो रिजिडेंट से हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को क्या कर दिया, बांध दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ से पकड़ के इसको हमने प्लग किया। जब इसको प्लग करेंगे तो हमें पता कि जब इसको प्लग करेंगे तो समझ लो यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशन होगा ऊपर नीचे, तो ये क्या होगा, एक वेव बन जाएगी। तो क्या होगा, एक वेव बन जाएगी। तो क्या ये एक वेव बन गई। अब देखो t=0 पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग फ्लैट थी, अब हमने क्या किया, इसको प्लग किया। तो t = t/4, मतलब देखो एक पार्टिकल है SM कर रहा है t = 0 पर यहाँ, और t = t/4 पे क्या होता है, एक्सट्रीम पोजिशन में जाता है कि नहीं। तो देखो ये पार्टिकल क्या हुआ, हमने इसको क्या किया, ऊपर प्लग किया था, तो ये पार्टिकल देखो ऊपर गए कि नहीं। तो ये पार्टिकल क्या हुआ, अपने पोजिशन से क्या गए, ऊपर गए। फिर हमें पता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे गया तो फिर यहाँ पे आता है t/2 टाइम पे। तो देखो t/2 टाइम पे क्या होगा, ये पार्टिकल्स क्या होंगे, सब फिर नीचे आएंगे। तो क्या इस लाइन पे आएंगे, मतलब ये स्ट्रिंग फिर क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। फिर 3t/4 पे क्या होता है, ये पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, एक्सट्रीम पे जाता है। तो देखो ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आए तो फिर क्या हुआ, सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे आएंगे। और फिर टी पे क्या होता है, ये पार्टिकल फिर क्या होते हैं, अपने ही मेन पोजिशन पे आ जाते हैं। तो देखो ये पार्टिकल फिर क्या हुआ, ऊपर आ गए, ये पार्टिकल क्या हो गया, ऊपर आ गए। मतलब कि देखो स्ट्रिंग पहले फ्लैट थी, फिर वो क्या हुआ, नीचे आई, फिर स्ट्रेट हुई, फिर ऊपर गई, फिर फ्लैट हो गई, समझ में आया। देखो क्या हुआ, एक स्ट्रिंग पहले फ्लैट थी, ऊपर गई, फ्लैट हुई, नीचे आई, फिर क्या हो गई, फ्लैट हो गई, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल्स को तुम ऑब्जर्व करो, किसी भी पार्टिकल को, तो एक पार्टिकल कभी ऊपर जा रहा है, फिर मेन पोजिशन पे आ जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, एक पोजिशन पे आ जा रहा है, मेन पोजिशन पे आ जा रहा है। मतलब कि कोई पार्टिकल है ऊपर जा रहा है मेन पोजिशन पे, नीचे आ रहा है, फिर क्या हो जा रहा है, इस सेम पोजिशन पे आ जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, हर पार्टिकल्स अपने ही जगह पे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन शो कर रहे हैं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, SM शो कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है, कि हर एक पार्टिकल जो है ऊपर नीचे क्या हो रहे हैं, SM कर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कभी भी SM नहीं कर रहे, वो एक ही जगह पे क्या है, स्टैटिक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, तो देखो ये पार्टिकल अपने ही जगह पे था। ऐसे यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे ये भी क्या होंगे, अपने ही जगह पे होंगे। यहाँ के जो पार्टिकल्स हो क्या है, अपने ही जगह पे होंगे। तो ऐसे पार्टिकल्स जो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर करते हैं, मतलब वो जो SM करते हैं ना, हर पार्टिकल SM कर रहे हैं, नोड वाले नहीं कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स मैक्सिमम दूरी पर जा रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो देखो ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अपने ही मैक्सिमम दूरी पर जा रहे हैं, उसके बाद में ये अपने मून पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एंटी नोड। तो एंटी नोड ऐसा तो ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स अपने मैक्सिमम पोजीशन पे जाते हैं, और नोड क्या होता है, जहाँ पे पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, समझ में आया। तो नोड और एंटी नोड क्या होता है, समझ में आया। नोड ऐसी जगह जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो, जीरो पार्टिकल का, और एंटी नोड जहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो, मैक्सिमम हो, समझ में आया। तो देखो इतना पार्टिकल और इतना को हम अगर अलग कर दें, तो देखो क्या होगा, इसकी अगर बात करें तो ये जो रस्सी है क्या फ्लैट थी, ऊपर गई, फ्लैट हुई, नीचे आई, फिर फ्लैट हुई। मतलब कि जब एक ऑसिलेशन कर रहा है कोई पार्टिकल, तो वेव कितने, जो रस्सी कितनी बार स्ट्रेट हो रही है, दो बार। देखो एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, समझ में आया। अब देखो क्या ये एक वेव है, अब देखो जब ये एक वेव है तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, लैम्डा कवर किया होगा, कितना टाइम लगेगा, टी टाइम। एंगल कितना कवर किया होगा, 2π। तो देखो यहाँ पे नोड है, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और नोड। अब देखो नोड और नोड के बीच की दूरी क्या है, क्या ये पूरा पूरा लैम्डा होगा, तो इसका आधा क्या होगा, लैम्डा बाय 2। तो मतलब नोड नोड की दूरी लैम्डा बाय 2, एंटी नोड एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय 2। अब बात करें नोड एंटी नोड की दूरी, तो नोड एंटी नोड क्या ये लैम्डा बाय 2 है, तो इसका आधा क्या होगा, लैम्डा बाय 4। तो मतलब नोड और एंटी नोड की दूरी क्या होगी, लैम्डा बाय 4। अब एक यहाँ पे देखो और क्या है, देखो जो एंटी नोड है ना, तो देखो एंटी नोड के जो पार्टिकल्स है ना, क्या वो जब ऊपर जा रहे तो क्या एक साथ नीचे जा रहे, यहाँ पे देखो क्या एक साथ वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे। मतलब कि एंटी नोड की पोजीशन को जो एडजेसेंट वाले पार्टिकल हैं, एडजेसेंट वाले एंटी नोड के पॉइंट पर जो एडजेसेंट वाले पार्टिकल हैं, वो एक साथ नीचे और एक साथ ऊपर जा रहे हैं। मतलब उन दोनों के बीच का फेज एंगल क्या है, जीरो है। तो एंटी नोड वाले पार्टिकल क्या हो रहे हैं, सेम फेज में ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। अगर नोड की बात करें तो देखो नोड के अगर पॉइंट वाली बात करें, तो जो इसके एडजेसेंट वाले पार्टिकल हैं, देखो ये वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है, इधर वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, ऊपर आने की जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि एंटी नोड के एडजेसेंट वाले पार्टिकल क्या होते हैं, एक नीचे जाने की कोशिश करता है, एक ऊपर जाने की कोशिश करता है। मतलब कि यहाँ पे फेज एंगल क्या है, दोनों पार्टिकल के बीच में पाई का फेज एंगल है, समझ में आया। मतलब एंटी नोड वाले एंटी नोड के एडजेसेंट जो पार्टिकल होते हैं सेम फेज में होते हैं, और नोड के एडजेसेंट पार्टिकल होते कैसे होते हैं, डिफरेंट फेज में। मतलब फेज एंगल क्या होता है, अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब एंगल क्या होता है, पाई होता है, समझ में आया। तो देखो ये अगर हम इसको समझे ना, तो ये एक लूप बना रहा है, देखो ये एक लूप बना रहा है कि नहीं, मतलब कि
यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स इस रूप के हैं वो क्या हो रहे हैं, एक लूप में ही क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये एक लूप बना रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी पार्टिकल यहाँ पे, दोनों पार्टिकल नहीं, रूप में तो पार्टिकल यहाँ पे, लेकिन जब ये रूप ऊपर जा रही है तो सभी पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, फिर यहाँ पे स्टैटिक हो रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं। मतलब कि एक लूप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, दो लूप फॉर्म हो रहे हैं। तो ये एक क्या हो रहा है, एक वेव बन रहा है, और ये जब टकरा के आता तो ये रिजिड, तो ये पार्टिकल जब टकरा के आएगा ये वेव, तो ये क्या हो रहा है, फेस एंगल कितना हो जा रहा है, पाई हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो हमने यहाँ पे बता दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर दो नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा बाय टू, और दो नोड एंटी नोड के बीच डिस्टेंस क्या होता है, लैम्डा बाय फोर। अब देखो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब जो वेव है ना वही, मान लो कोई रिजिड है और मान लो कोई फ्रीड है। फ्रीड का मतलब क्या, हमने यहाँ पे रिंग से अटैच कर दिया है वेव को, मतलब वो क्या था, ऊपर नीचे क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है इस पॉइंट पे भी। और यहाँ पे हमने क्या किया है, किसी पॉइंट को फिक्स कर दिया, किस कहीं से बांध दिया है रोप को, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं रिजिड, इसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रीड, और रिजिड को हम क्या बोल रहे हैं डेंसर, और फ्रीड को क्या बोल रहे हैं रेयरर। तो अगर देखो अगर कोई मान लो हमने पल्स जनरेट किया तो ये वेव गई, और वेव जाने के बाद जब वापस लौट के आती है तो क्या होता है, अगर क्रेस्ट में गए तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ट्रफ में, और ट्रफ में गए तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, क्रेस्ट में। मतलब अगर रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन होता है तो पार्टिकल्स का फेज एंगल कितना हो जाता है, पाई, जिसे हम क्या बोलते हैं 180 डिग्री। अगर बात कर रहे फ्री एंड की तो देखो ये वेव अगर गया प्लस, अगर ये वेव ऐसे गया और फिर जब वापस आ रहा है तो क्या हो रहा है, सेमी फेज में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे फेज एंगल कितना है, जीरो। क्योंकि अगर देखो क्रेस्ट में गया तो किसमें आ रहा है, क्रेस्ट में ही वापस आ रहा है। समझ में आया? तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसके और इसके बीच में दो वेव गई है, जो एक वेव आई है उनके बीच में इक्वेशन लिखेंगे। उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज कराने के लिए हमें वेक्टर सम करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके रिजल्टेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? अब देखो इसका अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रूफ जानना चाहते हो ना तो आप यूट्यूब पे जाओ, और अगर आप इसको मतलब समझो एनिमेशन इसका देखो तो बहुत अच्छे से फील होगा, क्योंकि हम इतना अच्छा नहीं बता पा रहे, हमें लग रहा है ऐसा। ठीक है, देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर ये रिजिड एंड है तो ये हमने रिजिड एंड के लिए लिखा है, और ये फ्री एंड है तो हमने इधर वाला फ्री एंड के लिए लिखा है। समझ में आया? तो देखो अगर हम बात करें, मान लो कोई इंसिडेंट वेव गई तो उसका मान लो हमने लिखा y1 = a sin ωt - kx। मतलब ये मान लो साइन टाइप वेव हमने क्या किया, यहाँ पे जनरेट किया, तो ये वेव ऐसे गई, और मान लो जब वापस आ गई तो क्या चीज़ होगा, वापस आ गई तो पहली बार तो डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी तो मुझे पता है यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरी बात, जब ये वापस आ रही तो फेज एंगल कितना हो जा रहा है, पाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई भी ऐड करेंगे। समझ में आया? अब ये दोनों वेव बनी, अब इन दोनों वेव को जब रिजल्टेंट लेते हैं सॉल्व करते हैं तो जो रिजल्टेंट इक्वेशन आता है वेव का सुपर इम्पोज होने के बाद वो आता है -2a sin kx cos ωt। ऐसे ही अगर इधर की बात करें तो जो इंसिडेंट वेव जो गई है मान लो साइन टाइप की है, तो अगर गई तो मान लेते हैं कि वो y1 की वैल्यू जो वो a sin ωt - kx है, तो वापस आ गई तो क्या चेंज आएगा, क्या यहाँ पे फेज का चेंज आएगा, क्या नहीं, जैसे ही गई ये क्रेस्ट में गई तो क्रेस्ट में आ रही, मतलब फेज एंगल क्या है, जीरो। बस यहाँ पे डायरेक्शन का अंतर आ रहा था, मतलब कि अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो वापस आ गई तो यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आएगा? अब इन दोनों वेव को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आती है वो आती है 2a cos kx sin ωt। अब यहाँ पे देखो रिजिड इंडी वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया ना वो आया -2a sin kx cos ωt। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ये पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं अलग अलग पार्टिकल्स की। देखिए इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है ये यहाँ तक है, देखो यहाँ पे देखो इस पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है ये यहाँ तक है, इस पार्टिकल का देखो एम्पलीट्यूड कुछ ज्यादा है, इस पार्ट का एंटी नोड वाले पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, और ज्यादा है, इसका देखो थोड़ा कम हो गया, इसका देखो थोड़ा कम हो गया, इसका देखो और थोड़ा कम हो गया। मतलब कि अलग अलग पार्टिकल्स जो एसएम कर रहे हैं उनकी एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ, एक्स के साथ, पोजीशन के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब कि जो एम्पलीट्यूड है वो किसके साथ चेंज हो रही है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है। इसी वजह से देखिए y = -2a sin kx ωt है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, जो ये 2a वाला टर्म है ना ये हम साइन के साथ लिख रहे हैं। तो देखो y = -a cos ωt cos ωt, और यहाँ पे देखो -2a sin kx को हमने क्या किया, एक साथ ले लिया है। तो यहाँ पे देखो जो एम्पलीट्यूड आ रही है वो क्या आ रही है, 2a sin kx। देखो हमने क्यों ऐसा लिया साइन को, क्यों इसके संग लिया, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा यहाँ पे कि जो पोजीशन के साथ है ना अलग अलग पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड है ना वो चेंज हो रही है पोजीशन के साथ, इसी वजह से हमने क्या किया, जो kx वाला टर्म है ना वो हमने एम्पलीट्यूड में जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो amplitude = क्या हो गया, 2a sin kx। मतलब कि x के साथ क्या हो रहा है, अब एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। मतलब कि जो 2a sin kx है ये क्या बता रहा है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड का वेरिएशन बता रहा है, और इसका जो cos ωt है ना ये क्या बता रहा है, पार्टिकल्स का क्या बता रहा है, एसएम करने की तरीके को बता रहा है। समझ में आ रहा है, टाइम के साथ वो पार्टिकल कैसा एसएम कर रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो y = 2a cos kx sin ωt है, तो यहाँ पे देखो
कॉस वाला टर्म किसके संग लेंगे, एम्पलीट्यूड वाला। तो यहाँ पे देखो जो एम्पलीट्यूड लिखा है वो क्या लिखा, 2a cos kx लिखा है, और यहाँ पे देखो साइन ओमेगा t क्या लिख दिया है, ये क्या बताएगा, SM बताएगा, और ये क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या अंतर आ रहा है, अंतर इतना सा आ रहा है कि यहाँ पे देखो कभी कभी क्या हो रहा है, साइन के साथ kx आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, cos के साथ kx आ रहा है। यहाँ पे देखो cos के साथ ओमेगा t, कभी कभी साइन के साथ ओमेगा t आएगा। तो अगर क्वेश्चन में दिया है कि साइन के साथ kx है कि cos के साथ kx, हम कैसे पता करेंगे, अभी हम इसको आगे बताते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है कि अगर रिजल्टेंट इक्वेशन में साइन और कॉस का टर्म आ रहा है, रिजल्टेंट इक्वेशन में साइन और कॉस का टर्म आ रहा है, मतलब कि जो हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव लिया है वो कौन टाइप होगा, साइन टाइप होगा। समझ में आया? मतलब कि अगर रिजल्टेंट इक्वेशन में साइन कॉस आ रहा है, मतलब कि जो हमने इंसिडेंट वेव लिया है वो कौन सा वेव लिया है, साइन टाइप वेव लिया है। समझ में आया? अब बात करते हैं अदर इक्वेशंस जो कि कॉस टाइप ऑफ स्टैंडिंग वेव, हमने साइन टाइप लेकर सॉल्व कर दिया, अब हम दूसरी बात करते हैं। तो देखो अगर हमने लिखा कि जो इंसिडेंट वेव है वो मान लो कॉस टाइप है, तो हमने लिखा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एफ, अगर ये रेजिडेंट से टकरा के वापस आ रहे तो जो इसका रिफ्लेक्टेड होगा वो कैसा होगा, पहली बात तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होता है प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, फेज एंगल कितना हो, फाइव। तो यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, तो फाइव को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, हमें पता है कॉस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे देखो माइनस आ गया। तो जो स्टेशनरी वेव बनेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जब रिजल्ट लेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, वेक्टोरली ऐड करेंगे। तो जब वेक्टोरली ऐड करते हैं तो क्या आता है, आफ्टर सॉल्विंग आता है 2a sin kx sin ओमेगा टी। और अगर फ्रेंड की बात करें तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट वेव ये है, और रिफ्लेक्टेड वेव ये है, कैसे, यहाँ पे देखो सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज आ रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाए, और फेज क्या होता है, सेम ही रहती, जीरो ही रहता है, तो यहाँ पे फेज की बात नहीं कर रहे, नहीं होता। तो जो स्टेशनरी वेव आया उसको हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, वेक्टर ऐड करेंगे, और दोनों को जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन आता है 2a cos kx cos ओमेगा टी। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेव, देखो कहना क्या चाह रहे हैं हम, कि अगर स्टेशनरी वेव मतलब रिजल्टेंट वेव वाले क्वेश्चन में अगर साइन साइन आ रहा है या cos cos, मतलब सेम साइन टाइप या cos टाइप आ रहा है, तो जो हमने इंसिडेंट वेव लिया वो कौन सा टाइप होगा, कॉस टाइप होगा। और अगर रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव वाले में अगर साइन कॉस या कॉस टाइप आ रहा है तो हमने जो इंसिडेंट लिया होगा वो कैसा लिया होगा, साइन टाइप लिया होगा। समझ में आया? मतलब कि अगर साइन कॉस या कॉस टाइप है स्टेशनरी वेव इक्वेशन में, तो हमने जो इंसिडेंट वेव या रिफ्लेक्टेड वेव लिया वो कौन सा टाइप लिया हुआ है, साइन टाइप लिया हुआ। देखो अगर स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में साइन कॉस आ रहा है तो जो हमने इंसिडेंट वेव लिया वो कैसा लिया है, साइन टाइप लिया है। वैसे ही अगर स्टेशनरी वेव वाले इक्वेशन में साइन साइन या कॉस कॉस आ रहा है, मतलब साइन साइन या कॉस कॉस आ रहा है, तो हमने जो इंसिडेंट वेव लिया वो कैसा लिया है, कॉस टाइप लिया है। कैसा लिया है, कॉस टाइप। देखो कॉस टाइप हमने लिया है। समझ में आया? यही हमारा कहने का मतलब है। समझ में आया? अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, कहना यह चाह रहे हैं कि अगर स्टेशनरी वेव के इक्वेशन में साइन कॉस वाले टर्म आ रहे हैं तो मतलब जो हमने इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव लिया होगा उसमें साइन लिया होगा, और अगर स्टेशनरी वेव वाले इक्वेशन में साइन साइन या कॉस कॉस आ रहे हैं तो हमने जो इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड वेव लिया होगा वो कैसा लिया होगा, कॉस टाइप। बस यही कहना चाह रहा है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिजल्ट क्या है, इन स्टेशनरी वेव इक्वेशन इफ साइन एंड कॉस बोथ टर्म आर प्रेजेंट देन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिंग वेव आर ऑफ साइन टाइप अदरवाइज कॉस टाइप। तो देखो अगर हमने स्टेशनरी वेव इक्वेशन में साइन कॉस या कॉस साइन हमें मिल रहा है तो मतलब जो हमने इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव लिया वो कॉस टाइप ली होगी, और अगर हमें साइन साइन या कॉस कॉस मिल रहा है तो हमने जो जो इंसिडेंट वेव लिया होगा या रिफ्लेक्टेड वेव लिया होगा वो कैसा होगा, कॉस टाइप होगा। समझ में आया? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, देखो केएक्स जो हो सकता है किसके किसके संग हो सकता है, साइन केएक्स हो सकता है या कॉस केएक्स हो सकता है। समझ में आया? अब देखो साइन के संग केएक्स आने का मतलब क्या, अगर मान लो हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें और कॉस के लिए भी एक्स की वैल्यू जीरो पुट करें तो देखो क्या हो रहा है, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी। मतलब कि देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर साइन की वैल्यू कितनी आ रही, जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कॉस की वैल्यू कितनी आ रही, वन। मतलब कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मतलब जो पार्टिकल होगा वो क्या बनाएगा, नोड बनाएगा, मतलब कि रिजिडेंट होगा, और एक्स इज इक्वल टू वन आ रही है, कॉस एक्स इज इक्वल पर जीरो पर कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। यहाँ पे जो वेव है उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा एंड बना रहा होगा, फ्री एंड, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, कॉस की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, तो मतलब ये इसके इसके बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आया? अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा पॉइंट देखो क्या है,
कि जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन वहां पे उस इक्वेशन में मान लो क्या आता है, साइन केक्स आता है या फिर उस इक्वेशन में क्या आता है, कॉस केक्स आता है कि नहीं, समझ में आया? मतलब जो पूरी इक्वेशन हम लिखते हैं स्टेशन वेव की, वहां पे साइन एक्स साइन के साथ भी केक्स आ सकता है और कॉस के साथ भी केक्स आ सकता है। तो वाई इज इक्वल टू मान लो सब लिखते हैं साइन केक्स और वाई के साथ क्या आता है मान लो कॉस एक्स। तो देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हम साइन की पुट करें तो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू जीरो अगर पुट करें तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वन। मतलब कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का है, मतलब कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, जीरो है। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वन है। तो देखो यहाँ पे वन होने का मतलब क्या होगा, ये एक फ्री एंड हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो होने का मतलब क्या होगा, ये एक रिजिड एंड हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर साइन एक्स टर्म है, क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन एक्स टर्म दिया, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। वाई की वैल्यू जीरो करने का मतलब क्या होगा, वहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। मतलब कि वहाँ पे क्या बन रहा होगा, नोड, और नोड बनने का मतलब क्या है, वहाँ पे एक रिजिड एंड होगा। ऐसे दूसरी बात करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पे वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। मतलब वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। मतलब कि वहाँ पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी, मतलब कि वहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। मतलब वहाँ पे क्या होगा, फ्री एंड होगा। समझ में आया? मतलब कि हम फ्री एंड रेजिडेंट कैसे होता है वो फाइंड कर सकते हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, उस स्टेशनरी वेव के इक्वेशन देखकर हम बता सकते हैं, हम किसी इक्वेशन को देखकर हम बता सकते हैं कि कहाँ पे रेजिडेंट होगा, कहाँ पे फ्री एंड होगा, कौन कॉस टाइप वेव होगी इंसिडेंट वाली, कौन साइन टाइप वेव होगी इंसिडेंट वाली। समझ में आया?